बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ हमेशा की तरह सब बहन भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी करना। तो इसी के साथ करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि कहीं खास जगह पे जाना है तो उसकी तैयारी करनी है, तो वो तैयारी मैं अपने बहन भाइयों के साथ भी जो हल्की फुल्की करनी है वो शेयर करती हूँ। पहले काम शाम करती हूँ तो उसके बाद ये काम करती हूँ। जी मैं बिटिया मेरी तैयारी शेयरी करके खड़ी गई। इसने अभी कपड़े पहने तो आ गई जी दाग वगैरह, खाना खा के हटी तो नखी के दबे वगैरह नज़र आ रहे हैं जी। ऐसे मर्जी कपड़े बच्चों का पहना लो लेकिन एक मिनट के पहले ही ये ख़राब कर लेते हैं। अब मैं बिटिया मेरी क्या कर रही है, कुछ तो कर रही है, है? कबीर बुक्स के ऊपर क्यों बेटे चढ़ रहे हो? ये बैग है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। अच्छे बच्चे जो होते हैं इस तरह नहीं करते। क्या लिखा है? अल्लाह। अल्लाह जब आप लोगों को पता है कि अल्लाह लिखा हुआ फिर बुक्स के ऊपर तो ना चढ़ो ना, इस तरह के काम नहीं करते। तो एक बड़ा काम हो गया है, जो सिलेंडर ख़त्म हो चुका है लेकिन सिलेंडर वाला भाई भी इधर अभी नहीं है। वो कहता है शाम को रख के दूंगा। तो जो सिलेंडर समीर बेटा आया था ब्रेक टाइम स्कूल से तो खाना बनाने लगी थी उसके लिए रोटी, तो ये फौरन ख़त्म हो गया। इसका कोई दिन मान नहीं होता कि कब ख़त्म हो जाना है कब नहीं। आगे तो कब कुछ देर गुजर ही जाती है, इस दफ़ा तो पहले ही ख़त्म हो गया है। तो अभी चाय वगैरह जो भी काम किया है छत पर किया मैंने, आग जला के और दूध भी उधर से ही गर्म करके आई हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है, खाना फिर बनाना है लेकिन सिलेंडर का इंतज़ार हो रहा है। अच्छा समीर बेटा अब ट्यूशन के लिए जा रहा है। अभी जे ऊपर चूल्हे के आग जला के खाना चाय भी बनाई है और बर्तन फिर धोने वाले हो गए, दूध वाले भी और चाय वाले भी। अब ये धोती हूँ और जो चाबियाँ छत पे बच्चे लेके गए थे ये भी गंदी करती हैं, ये भी धोती हूँ क्योंकि आग जलाते हुए नीचे से भी ज़्यादा बर्तन काले हो जाते हैं, तो वो भी सारे साफ सफाई अभी करनी होगी। तो बाकी काम बाद में अपनी तैयारी फिर शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन शर्तन मैंने धो के रख लिए हैं तो अब सिलेंडर वाला भाई अभी भी नहीं आया लेकिन शाम हो रही है। आज वैसे भी जुमेरात का दिन है तो अब कोई स्वीट में कोई चीज़ बना लेते हैं जो बच्चे भी खा लेंगे शौक से, कबीर बेटा भी और दूसरे भी। तो हाँ मैं छत पे जाती हूँ, उधर ही चूल्हे आग जला के बना लेते हैं क्योंकि सिलेंडर वाले भाई ने तो पता नहीं कब आना, फिर देर हो जाती है तो शाम को मेरा दिल नहीं करता, फिर अभी लेट हो गया क्या चीज़ बनाऊँ या क्या नहीं। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ जी। ये देखो नाम लेते ही अम्मा बिटिया को तो भूख लग गई है, छाते की कान चले अजगर चीज़ खानी है फिर। हाँ देखो जी मेरे बेटे की यही पसंद थी, मुझे पहले ही पता था कि कबीर बेटा का है, तो मम्मा जी सोइयाँ खानी है तो अब ये ही उनको बना के देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं फ्रिज से दूध निकाल लेती हूँ, दूध माशाल्लाह ये पड़ा है तो अब मैंने जितनी सोइयाँ बनानी है तो ये काफ़ी हो जाएगा दूध बनाने के लिए। तो अब दूध में लेके चलती हूँ किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देसी मैंने ले लिए, अब इसमें दूध ऐड करती हूँ क्योंकि अब छत भी जाना पड़ेगा सारी चीज़ें लेके। थोड़ा सा जो दूध में पानी डाल लेती हूँ, ये वाला देसी साफ हो जाएगी क्योंकि जब इंसान एक इस तरह नीचे बैठ के सारा खाना पकाने का आदि हो जाए फिर ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ के आना जाना, तो इसलिए आज काफ़ी मुश्किल हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिए हैं मैंने सोइयों के पैकेट, अब जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी इस बॉल में डाल लेती हूँ तो फिर छत के ऊपर लेके चलती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेवइयां मैंने डाल ली हैं, थोड़ी सेवइयां मैंने बॉल में डाल ली हैं। अब जितनी मुझे ज़रूरत थी तो अब ये वाली ले रख देती हूँ सड़ पे, क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं पैकेट ना फाड़ दें। और ये देसकी के ऊपर रख लेती हूँ, इस तरह छत के ऊपर लेके चलती हूँ। ये रैपर कूड़े वाली बाल्टी में फेंकती हूँ। जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं जो पहले फेरी वाले ले आ जाते हैं, उनके उनके भी अपना पेट पालना होता है, अपना भी और अपने बच्चों का भी। को अच्छी तरह गर्म करने के लिए मैंने आग जला ली है, पहले पेट को अच्छी तरह गर्म कर लेती हूँ। और ना चोर जी ये सेवइयां ना खाओ, पकाने के बाद खा खाएंगे। चीनी क्यों लेनी है? चलो बस अब चीनी भी नहीं लेनी। पीछे हो रहे थे, पीछे रहे, पीछे ऊपर ना बैठो। माशाल्लाह कोठी कितनी प्यारी बन रही है, खुदा जिनकी बनी हुई उनकी किस्मत में करे जो पाकिस्तान का झंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेवइयां गाढ़ी हो चुकी हैं, अब इसमें डालनी है चीनी, वो डालती हूँ पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर मैंने डाल दी है, अब इसको मिक्स करती हूँ और थोड़ा देर और पकाती हूँ। जी क्या कर रही हो, जी क्या कर रहे हो? हाँ जी जी, तेनों और कोई काम नहीं लगा? मैनू पकड़ाया था ढक्कन। सेवइयां तैयार हो चुकी हैं, तो अब नीचे उतारती हूँ। पहले नमाज पढ़ती हूँ असर की, नमाज का टाइम हो चुका, फिर उसके बाद खत्म देती हूँ। क्योंकि सुनील बेटा भी छोटा है, बाकी घर में कोई और मत है ही नहीं। तो बीरा जी जूता सीधा करो, मैमा चलो जूता सीधा करो अपना।
ये बच्चों के लिए भी सेवैयाँ मैंने डाल ली हैं और ख़त्म शतम मैंने दे लिया है। तो अब समीर बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं, वो ट्यूशन पे गया होगा, वो अभी नहीं आया। तो ये दोनों मेरे पास बैठे हैं मुंह में उंगलियां डाल के, मामा जी जल्दी करो हमने खानी है, हमें ठंडी हो गई हैं, अब जल्दी करो। तो मेरा दिल है समीर बेटा भी आ जाए, फिर इकट्ठे बैठ के खाएँगे, क्योंकि अतफाक में बरकत होती है। आज मुश्किल, बड़ी मुश्किल से जी सेवैयाँ बनी हैं। तो अब समीर के आने का इंतज़ार करते हैं। जाए चलो आप खा लो, बाद में समीर बेटा आता है तो फिर मैं बाद में खाऊंगी, ठीक है ना? नहीं, मैं तुम्हें बाद में खाऊंगी ना। मैमा बिटिया का दिल नहीं कर रहा कि भाई आएगा तो मैं तब खाऊंगी। ये चम्मच के साथ कभी खा रही है तो कभी नहीं।